I dare you to fix me. I'm crossing the line. Hey guys, good morning. कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब फिट एंड फाइन होंगे. सो गाइज, अभी मैंने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया है. तन्वी भी स्कूल जा चुकी है एंड अमित भी ऑफिस चले गए हैं. एंड तन्वी का सेकेंड एग्जाम है मैथ का. पता नहीं कैसे करके आ रही होगी. फर्स्ट में तो शुरू में जब उसके हाफली एग्जाम थे तो वो तो ऐसी कर रही थी. एंड अब देखते हैं कैसे करके आ रही है. एंड गाइज, आज थोड़ा बहुत ठंडा था इसलिए मैंने आज हुड डाल लिया है. थोड़ा आज बादल लगे हुए थे सुबह सुबह के टाइम पे तो ज़्यादा ठंडा हो रखा था. तो अभी मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, बस अब मेरा किचन साफ करना रह गया है. तो मैं जल्दी से किचन साफ करती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ. और गाइस, मेरी जो कल चैलेंज वाली वीडियो है वो मैंने डाल दी है. तो जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पे और जाके उसे देखिए. एंड गाइस, शेयर कीजिए. और गाइस, जो वीडियोज़ देखते हैं प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है. मान लें तो गाइस, जितने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाइए अभी देखिए. एंड गाइस, मैं अभी काम कर लेती हूँ, ठीक है? पहले बताओ एग्ज़ाम कैसे, क्या बताओ फ्रेंड्स को बताओ. मस्त गया? काहे का था, काहे का था बताओ. वन टू को क्या बोलते हैं? गुड, मैथ का था ना. अब कल काहे का है? गुड. लाओ मैं धोला ऐसे गंदा नहीं खाना. सो गाइस, तन्वी स्कूल से आ चुकी है एंड उसका एग्जाम तो रोज की तरह बहुत ही मस्त जाता है. रोज ही बोलती है मस्त जा रहा है. हाँ, धोते हैं, रुक जाओ, पूरा नहीं ले जाओ, इधर लाओ. एंड गाइस, मैं अभी ही बना रही हूँ जिंजर पाउडर. तो मेरे पास अदरक बच गई है तो मैंने सोचा है अब गर्मी आने लग गई है तो हम चाय में अदरक डालने रहे, तो मैंने इसे धो धा के छिल लिया है. एंड इसे इस तरीके से देखिए कद्दूकस करके इसको बारी बारी से देखिए स्लाइस में ऐसा कर लिया है. और इसको मैं सुखा के इसका पाउडर बनाऊंगी. देखा, कटोरी दे रही, पर इतने सारे ग्रेप्स मत खाओ, थोड़ा सा मम्मा को भी दे दो. इसमें थोड़ा सा निकालो, पूरा इतना नहीं बेटा, थोड़ा सा खाते हैं. नहीं, इसमें थोड़ा सा लो जितना इस कटोरी में आता है. सो गाइस, आज का पूरा दिन मेरा ऐसा ही निकल गया. मैं अनु के लिए कह रही हूँ, मैं तन्नू के लिए कोई ड्रेस बना रही हूँ. एक तो वो सिलने में लगी हुई थी तो पूरा टाइम मेरा उसी में निकल गया. एंड अब टाइम हो गया है 4:18, और मुझे लगता है मैं 2:30 बजे से बैठी हूँ. एंड बच्चों ने यहाँ ऐसा उधम मचा रखा है ना, देखो ये देखो आनू शैतान. और वो देखिए तन्वी को देखिए गाइस, तन्वी को देखिए. हाँ, चढ़ो. सो गाइस, कल का हरा हरा खा के देख के तो मेरा अब हरा खाने का ही मन नहीं कर रहा है, थोड़ा पीला खाया जाए. एंड गाइस, मैंने दिन में आज क्या बनाया था, सैंडविच बनाया था. और तन्वी ने दूध और बिस्किट खा लिया था, फिर उसके बाद सैंडविच बनाया, तो उससे तो मेरे को भूख दोबारा लग गई है. तो मैंने अभी अपने बना रखा है मसाला ओट्स, जिसमें मैंने खूब सारा टमाटर डाल रखा है. टमाटर स्किन के लिए अच्छा होता है ना, इसलिए. तो अभी मैं ओट्स खा रही हूँ, 5 बजे तो मैं ओट्स खा रही हूँ, उसके बाद मैं खाना क्या खाऊँगी. तो देखते हैं, आज शाम का खाना स्किप कर दिया जाएगा, खाना नहीं खाया जाएगा. तो गर्मा गर्म ओट्स खा लेती हूँ जल्दी से, ठंडे हो जाएंगे. नहीं तो आज फिर से ठंडा हो गया है, मौसम में करवाहट बदली है. तो आज सुबह से मैं कह रही थी जैसा कि बादल नहीं हुए हैं तो अभी बहुत तेज हवा चलने लगी है, बहुत तेज बादल लग गए. एंड गाइस, अमित आ चुके हैं ऑफिस से, उनके लिए बनाती हूँ मैं चाय. तो अपने लिए बनाऊँगी जिंजर टी, क्योंकि आज थोड़ा ठंडा है ना, आज पी जा सकती है. लेकिन मैं बहुत दिनों से नहीं पी रही थी, ग्रीन टी पी रही थी. तो और यहाँ पर मैं बना रही हूँ लौकी की सब्जी, जो कि है ये. तो दोस्तों, मैं अभी कुछ ढूंढ रही थी तो मुझे पिछले साल की होली की चिप्स मिले, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी फ्राई करे, बट टूटा मुटा चूरा फूरा सा था. पर इनको खा के इतना मज़ा आ रहा है ना, मन कर रहा है कि चिप्स बना लिया जाए. तो अभी चिप्स बनाने में बहुत टाइम है, क्योंकि होली को अभी एक महीना है. और अभी से चिप्स बनाएंगे तो बस खाते ही रह जाएंगे. तो
अभी इन्हीं से काम चला लेते हैं। सो गाइस, मेरे पास है कटोरी में आटे का हलवा, और जो कि मैंने कल बनाया था, और कल मेरा था 3 डे चैलेंज, तो इस वजह से मैं नहीं खा पाई थी, और मैंने अपने लिए रख दिया था फ्रिज में कि मैं आज खाऊंगी करके। तो अभी मैंने गरम किया है, और गर्मा गर्म देखिए आटे का हलवा, इतना टेस्टी होता है ना, टेस्टी भी होता है एंड मीठा भी होता है, बट कोई नहीं, इसमें मैंने घी भी बहुत ज़्यादा डाल रखा है। हाँ, जो सुकून मिला है ना, यार कल से मेरा इतना मन कर रहा था कि कब खाऊंगी मैं, कब खाऊंगी मैं, तो सोची थी इसमें भी ग्रीन कलर डाल दूँ, मैंने ऐसा नहीं करा। सो गाइस, ये बहुत ही टेस्टी हो रहा है, खाओगे अलवा? अलवा वो गरम है बेटा, जल्दी से पकड़ दिया, गरम है ये, बहुत टेस्टी होता है। थोड़ा सा चम्मच से गरम हो जाएगा, गरम है तभी तो कह रही हूँ। कैसा खा रहा है? ऐसा नहीं खाते, चम्मच से भी नहीं खा रहा, आगे से छोटा सा खाओ ना, टेस्ट हो रहा है। पापा को भी चखा के आती हूँ, थोड़ा सा अमित को भी चखाती हूँ। हलवा है, इतना ही है, थोड़ा तुम खाओ, थोड़ा हम खाएं, तू भी खा ले फिर ना ले। अरे नहीं, थोड़ा सा तुम खाओ फिर हम खा लेंगे, थोड़ा सा। जब बच्चों की आवाज़ नहीं आएगी बाहर खेलने वाले बच्चों की, तब पढ़ाई करना बोला है तेरे पापा और तू। सो गाइस, अभी जस्ट खाना खा के और बर्तन धो के एंड हाथ मुंह धो के अंदर आ रखी हूँ, एंड मैंने अभी रात को तन्वी को भी नहलाया और सो गई है, नहा के थक गई और सो गई, क्योंकि ये सुबह ना क्या होता है, स्कूल का टाइम होता है तो सुबह ठंडा ज़्यादा होता है, और फिर इसको टाइम ही नहीं हो पाता नहाने का, और इस वजह से मैंने रात को नहला दिया, क्योंकि आज शाम को बहुत बादल भी लगे, तो मुझे लग रहा था सुबह क्या पता बारिश भी हो सकती है, इसलिए मैंने आज रात ही नहला दिया, और बेचारी नहा धो के सो गई है। तो गाइस, अब बस हम भी सोते हैं, एंड गाइस ब्लॉग को यही पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को ब्लॉग पसंद आएगा, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।